खबर बांदा जनपद से है, जहां बवेरू बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व महासचिव पर शुक्रवार को मतदान सुबह 8:30 बजे से संपन्न हुआ, जिसकी देर शाम मतगणना संपन्न हुई, जिसमें विजयी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र दिया गया। वहीं समर्थकों के द्वारा विजयी प्रत्याशी को माला पहनाकर स्वागत किया गया। मामला बवेरू बार एसोसिएशन कार्यालय का है, जहाँ पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं महासचिव पद पर मतदान आज शुक्रवार को सुबह 8:30 बजे दोपहर 2:30 बजे तक मतदान सम्पन्न हुआ, जिसमें 162 मतदाताओं में 161 मतदाता ने अपने मतदान का प्रयोग किया। दोपहर 3 बजे के बाद मतगणना प्रारंभ हुई, जिसमें अध्यक्ष पद के प्रत्याशी छोटकू राम वर्मा को 84 मत प्राप्त हुए। वहीं प्रतिद्वंदी प्रत्याशी जय सिंह को 76 मत प्राप्त हुए, जिसमें 8 मतों से छोटकू राम वर्मा निर्वाचित हुए। वहीं महासचिव पद पर छिदीलाल पटेल को 91 मत प्राप्त हुए। वहीं प्रतिद्वंदी प्रत्याशी हरण सिंह को 69 मत प्राप्त हुए, जिसमें छिदीलाल पटेल ने 22 मतों से जीत दर्ज कर महासचिव पद की सीट पर कब्जा किया। वहीं शेष पदों पर कोषाध्यक्ष महेंद्र कुमार यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष में महेंद्र सिंह यादव, पुस्तकालय अध्यक्ष में विनोद कुमार पाल सहित अन्य पदों पर सभी लोग निर्विरोध घोषित किया गया, जिसमें सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र दिया गया। इस मौके पर एल्डर कमेटी के चेयरमैन मैकुलाल प्रजापति एवं चुनाव अधिकारी संतोष सिंह यादव, शिव कुमार सिंह, शिव लोचन एवं अवधेश गौतम रहे। वे सुरक्षा की दृष्टि से मतगणना के समर्थक भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। पार संघ का चुनाव संपन्न हुआ, किस प्रकार का रिजल्ट रहा? रिजल्ट संतोषजनक रहा और दो पदों में हमारे यहाँ चुनाव था, जिसमें अध्यक्ष पद में प्रत्याशी थे श्री छोटकू राम वर्मा एडवोकेट, उनको विजयी घोषित किया गया और मत मिले कुल 84। और दूसरे नंबर पर हरेंद्र सिंह रहे क्या कहते हैं जय सिंह और जय सिंह को 76 मत मिले। इस तरह से वो कितने मतों से 8 मतों से पराजित हुए। मंत्री पद में 91 मत मिले श्री छिदीलाल पटेल को, जो विजयी घोषित किए गए हैं। और दूसरे नंबर पर रहे हरेंद्र सिंह, जिनको 69 मत मिले। इस तरह से शेष पदों पर चुनाव हमारे यहाँ निर्विरोध रहा, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हुआ। शुभ नाम क्या है आपका? हमारा मैकुलाल प्रजापति एडवोकेट, चेयरमैन इंडस्ट्री।